हेलो एवरीवन, अभी हम यूसीन जीके में मॉडर्न इंडिया से पढ़ेंगे खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट का मतलब क्या होता है? खिलाफत का मतलब क्या होता है कि हम आपके खिलाफ है, हम आप जो कर रहे हैं उसके खिलाफ है। तो खिलाफत मूवमेंट का मेन कॉज क्या था? वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था और उस दौरान जो ऑटोमन एम्पायर है वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी की तरफ था, और दूसरी तरफ थे इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका। और इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका वर्ल्ड वॉर वन जीत गए थे और उन्होंने ऑटोमन एम्पायर जो है और उसको बांटने का सोचा आपस में, और उसके अलावा जो ऑटोमन एम्परर थे उनको डीथ्रोन करने का उनका प्लान था। लेकिन जो ऑटोमन एम्परर थे वो खलीफा थे इस्लामिक वर्ल्ड के। खलीफा माने वो रिलीजियस गुरु थे जितने भी मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके जैसे आज के टाइम पे पोप होते हैं क्रिश्चियंस के, उसी तरीके से वो उनका लेवल था। और यही पूरा रीजन था खिलाफत मूवमेंट के पीछे। इसके लिए ट्रीटी ऑफ सेवरीज साइन की गई थी 1920 में। उसके अकॉर्डिंग जो ऑटोमन एम्पायर है उसको बांट के टर्की, इराक और मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे और आपस में बांट लिया जाएगा। जैसे टर्की बना, ये ऑटोमन एम्पायर से ही बनाया था, फिर इराक बना था और आगे चल के सऊदी अरेबिया भी बना था। तो ये ऐसा किया जाएगा, ये ट्रीटी ऑफ सेवरिस में था। और ये ट्रीटी जो थी ये दुनिया भर के मुस्लिम्स को एक बहुत बड़ी इंसल्ट लगी उनके अगेंस्ट में, क्योंकि पहले तो वो उनका जो सबसे बड़ा एम्पायर है ऑटोमन एम्पायर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, टुकड़ों टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांट रहे हैं। और उसके बाद जो उनका रिलीजियस हेड है, जो प्राइम सबसे बड़े रिलीजियस हेड है, उनको भी वो डीथ्रोन कर रहे हैं। तो ये उनको बहुत अपमानजनक लगा। ये जो पूरा मोमेंट है ये बेस्ड था इस मुस्लिम बिलीफ पे कि जो उनके खलीफा है वो पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम्स हैं उन सबके रिलीजियस हेड है। अब हम जानते हैं इस जो मोमेंट है उनके प्रोमिनेंट लीडर्स को। इनके प्रोमिनेंट लीडर्स हैं मौलाना मोहम्मद अली और शाहकुत अली जौहर। इनको जौहर ब्रदर्स भी कहा जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मुख्तार अंसारी और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू वही है जिनके लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, जिनके अरेस्ट की वजह से प्रोटेस्ट हो रहा था जलियांवाले बाग में। आगे जाके यही खिलाफत मूवमेंट जो है वो मर्ज हो जाएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जो गांधी जी ने लॉन्च किया था 1920 में। पूरी दुनिया से जितने भी मुस्लिम्स हैं वो चाहते थे कि सुल्तान जो है उनका रूल हो, लेकिन मुस्तफा केमल आतुरक, इन्होंने जो सुल्तान है उनको उनका जो ऑफिस है वो खत्म कर दिया। और उन्होंने एक नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ टर्की में, और वहाँ के जितने भी नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि हमारा जो देश हो वो किसी सुल्तान या खलीफा के नीचे ना हो, हमें एक धर्म निरपेक्ष देश चाहिए। और इसी के चलते मुस्तफा केमल आतुरक ने जो ऑटोमन रूल था उसको ओवरथ्रो किया और उन्होंने एक प्रो वेस्टर्न सेक्युलर रिपब्लिक बनाया इंडिपेंडेंट टर्की में, और ये बना था 1924 में।